नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद में कार हादसे में कार सवार 7 में से 5 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार से गाजियाबाद आने वाली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बने गांव कचलीना के पास रॉन्ग साइड से आते एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने हरिद्वार से आ रही ऑल्टो कार को टकरा दिया, जिसपे कार में सवार 7 लोग सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में निधि और उसके पति सोनू और उनकी बेटी परी और साली का बेटा देवसेना उम्र 1 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी घायलों को लेकर हाईवे पुलिस ने गाजियाबाद के सफदरजंग अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां वे अभी उनका उपचार चल रहा है, जहां उनकी हालत भी अति गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि लखनऊ से रिश्तेदारी में इंद्रपुरम आया परिवार सोनू और शिल्पी की गाड़ी में हरिद्वार में नहाने गए थे और लौटते वक्त यह हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गाजियाबाद से तुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। एक्चुअली में ये लोग हरिद्वार से आ रहे थे लौटते हुए, और वहाँ से ट्रक वाला आ रहा था। हाँ। जो इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुआ। जी, सुबह ये हादसा हुआ, रात के टाइम हादसा हुआ। हाँ। रात के टाइम से हुआ, करीब हुआ होगा 9:30 के आसपास का। हम लोग आगरा से आए, जब हमें सूचना मिली पुलिस वाले द्वारा, तो हम लोग आगरा। तो क्या पता चला यहाँ पर? ये यहाँ पर आए तो बोला था कि ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उसके बाद उन्होंने बताया कि एक गाड़ी में कितने लोग सवार? गाड़ी में बच्चे थे आपके 3, और जेंट्स 2 जेंट्स और 2 लेडीज। उनकी क्या हालत है? लेडीज तो ख़त्म हो चुकी है, एक लेडीज वेंटिलेटर पर है, बच्चे एक बच्ची बच्ची है, बाकी बच्ची दोनों बच्चे। टोटल कितने लोग खत्म हो? टोटल 7 जने। 7 खत्म हो गए? नहीं, 7 में से 1 जने। अभी 6 जने खत्म हो गए। अभी एक बच्ची है और दूसरा जो है वो है ना वेंटिलेटर लड़की अभी है। यानी 5 खत्म हो गए, 2 नहीं, 5 खत्म हो गए, 2 अभी अभी सीरियस कंडीशन में है, अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर भी कह रहे हैं अभी कुछ पता नहीं।